हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व है जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन है। गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं के कारण लाखों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिकता, भाईचारे और एकता का संदेश है। गुरु नानक देव जी की 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर वीरवार को देश भर में कई शहरों में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है, ये काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पर्व लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। आज कई जगहों पर नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और आपको बता दें कि इस अवसर पर नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व है जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन है। गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं के कारण लाखों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं के सार्वभौमिकता, भाईचारे और एकता का संदेश है। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर वीरवार को देश भर के कई शहरों में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं, हर्षोल्लास देखने को मिलता है, देश भर में रौनक देखने को मिलती है। आज के दिन आपको बता दें कि हर्षोल्लास के साथ नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। राजीव, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस साल भी मनाई जा रही है, काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी राजीव। बिल्कुल, देखिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो गुरु नानक पर्व है, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है, वो मनाया जा रहा है। इस समय जो ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है वो उसके सामने खड़ा हूँ, मेरे पीछे देखा जा सकता है कि लोगों का जो है आवागमन जो है शुरू हो चुका है और गुरु दरबार में आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और जो गुरु नानक देव जी से जो अपना आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुरुक्षेत्र के जो ये NIT के पास जो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, यहाँ पर जो है लोगों का आवागमन लगा हुआ है। कल भी यहाँ पर जो है नगर कीर्तन निकाला गया था और नगर कीर्तन में जो है भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की थी। देखिए, बात करें ये जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन माना जाता है और लोगों में काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। आपकी अगर लोगों से बातचीत हुई है तो कैसा कुछ लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में खासा उत्साह है, सुबह से ही जो है लोगों का जो है आवागमन लगा हुआ है और लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और अपनी जो है मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कल की यदि बात की जाए तो कल भी यहाँ से जो है एक नगर कीर्तन निकाला गया था। ये भी बताना चाहूंगा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जो है जो सिखों के प्रथम गुरु है गुरु नानक देव जी, उनका जो है संबंध रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो है वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो है उन्होंने सूर्य ग्रहण अवसर पर जो एक परंपरा रही है कि यहाँ जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर आग नहीं जलाई जाती, तो उस परंपरा का जो है उन्होंने यहाँ पर आग जलाकर जो है जो अंधविश्वास था उस अंधविश्वास को जो है दूर किया था। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से जो है गुरु नानक देव जी का जो है खासा संबंध रहा है, क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है 8 सिखों के जो गुरु है वो यहाँ पर आए थे, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जो है सिखों का जो है यहाँ पर आठ जो उनके गुरु हैं उनके गुरुद्वारे भी हैं, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का कहीं ना कहीं जो है गुरु नानक देव जी या अन्य गुरुओं से जो है खासा जो है संबंध रहा है और जो इसी कड़ी में जो है यहाँ पर जो सभी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर जो है लोगों का जब ये पर्व होता है तो आवागमन रहता है और ये जो पहले गुरु के यादगार में जो है गुरुद्वारा बनाया हुआ है यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं। जी, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व है और जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है।
इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र दांगी जी, बात करें, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ये किस लिए मनाई जाती है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, विस्तार से बताइए जी। फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन है। गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं के कारण लाखों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिकता, भाईचारे और एकता का संदेश है। गुरु नानक देव जी की 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर वीरवार को देश भर में कई शहरों में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। आज 555वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व है और काफी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। लोगों में काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन माना जाता है। गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं के कारण लाखों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिकता, भाईचारे और एकता का संदेश है। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर वीरवार को देश भर में कई जगहों पर भव्य नगर कीर्तन निकाले गए। लोगों के अंदर काफी कुछ उत्साह देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें आखिरी स्क्रीन पर है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, तस्वीरें आखिरी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। काफी धूमधाम से मनाया जाता है हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व पड़ा है तो काफी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इस पर्व को लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिस और इस त्योहार को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन माना जाता है। इस दिन को लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और वहीं गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं के कारण लाखों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिकता, भाईचारे और एकता का संदेश। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर वीरवार को देश भर के कई शहरों में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। अलग अलग जगह नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिलता है, काफी रौनक देखने को मिलती है देश भर में कार्तिक आज के दिन में यह मनाया जाता है। और आपको बता दें कि लोगों के अंदर काफी हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, हर्षोल्लास से नगर कीर्तन निकाले जाते हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व 555वां ये प्रकाश पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस साल आज गुरु नानक जयंती का पर्व पड़ा है तो लोगों में काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, हर्षोल्लास से लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के योगदान और उनके उपदेशों को सम्मानित करने का दिन होता है। इसको प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, खासा उत्साह देखने को मिलता है लोगों में। हम लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और वहीं गुरु नानक देव जी के आदर्शों और शिक्षाओं के कारण लाखों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी शिक्षाओं में सार्वभौमिकता, भाईचारे और एकता का संदेश है। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर वीरवार को देश भर के कई शहरों में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। काफी तादाद में लोग नगर कीर्तन के अंदर शामिल हुए। काफी हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव जी का यह पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। हम ये तस्वीरें भी आप तक पहुँचा रहे हैं। ये गुरुद्वारा से तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, भव्य तरीके से सजाया गया है आज के दिन। तस्वीरें आप देख सकते हैं,
कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, फूलमालाओं के साथ, लाइटों के साथ। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और इस दिन गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया जाता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से रजनी सोनी जुड़ गई है। रजनी सोनी, बात करें हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है ये भी विस्तार से बताइए कि क्यों मनाई जाती है जयंती। जी देखिए प्रिया, आज का दिन जो है बहुत खास होता है, खासकर सिख धर्म के लिए आज का दिन विशेष महत्ता रखता है, क्योंकि आज सिखों के पहले गुरु जो थे श्री गुरु नानक देव जी, उनका जन्म दिहाड़ा है और सजाया जाता है। गुरुद्वारों को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जगह जगह जो है लंगर की व्यवस्था की जाती है, कीर्तन होते हैं, जगह जगह कीर्तन होते हैं, जो बाजारों में से भी ये कीर्तन जो है वो झांकियों के रूप में निकलते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बड़ी ही धूमधाम से आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। इस समय मैं यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में खड़ी हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉडल टाउन का जो मेन चौराहा है उसको भी बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है। खन्ना साहब को जो है वो चौराहे में रखा गया है और दूसरी तरफ आप गुरुद्वारा साहब की तस्वीरें देख सकते हैं। रात को ये जो लाइटें यहाँ लगाई गई हैं वो बड़ी सुंदर तरीके से ये यहाँ पर नजारा जो था वो देखने को मिल रहा है। सफाई व्यवस्था जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है ऐसे ही झाड़ू लगाकर सफाई की जा रही है। संगत जो है वो गुरुद्वारा साहिब में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। मैं आपको एक बार गुरुद्वारा साहब के अंदर भी लेके जाऊंगी, वहां का भी नजारा दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा साहिब को भी जो मेन एंट्री है उसको भी बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है और गुरु साहब का जो पाठ है वो भी चल रहा है। लोग सुबह से ही स्नान करके माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु भी हैं। मैं प्रिया बात भी करवाऊंगी कि किस तरह से आज के दिन किस तरह से उत्साह उन्हें देखने को मिल रहा है। सर, आज जो है गुरु साहब का दिहाड़ा, जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, किस तरह से उत्साह देख रहे हैं आप? सिर्फ यमुनानगर प्रदेश नहीं पूरी दुनिया च मनाई जा रही है। सिख परिवार और सिख कौम वास्ते खुश खबरा दिन होता है और इस प्रोग्राम तो पहला जयंती तो पहला 15 दिन सांगत जी आठवीं निकलती है और आज के दिन जो पूरा वे बड़े जोर शोर संगत मना रही है और जेडे हजूरी रागी जत्थे ने वो स्पेशल तो अकाल तख्त साहब तो इतने बुलाए गए हैं और समझ राही जो इतने संगत निहाल करेंगे। इस तो अलावा जो सा यमुनानगर गोपाल मोचन का मेला है जो पूरे भारत में जो प्रसिद्ध मेला है उत्थे गुरु नानक देव जी ने अपनी जगह पाई थी। इतों लैस वास्ते इतने सरोवर के इनान वास्ते हिमाचल की संगत जी इतने आती हैगी और इतने अपना आस्था की डुबकी लगातार अपनी मनोकामना पूरी करती है और वाहगुरु सारिया से मेहर करता है। और अज इतने संगत बड़ा प्रोग्राम है मुंह मार के जरा खुशी में मना रही है। तो देखो जिस तरह का आज का दिन बहुत बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है क्योंकि नगर कीर्तन जो है वो जगह जगह निकाले जाते हैं। आज के दिन जो जागरूक करते हैं यहाँ पर गुरुद्वारा साहब के और भी श्रद्धालु जो हैं, जब प्रबंधक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन में? चलिए जिस तरह से कह सकते हैं आज जाता है और आज जो कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान है ननकाना साहिब जो कि अब जो पाकिस्तान में है वहाँ भी आज के दिन जो भारत से बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वहाँ माथा टेकने के लिए जाते हैं। और आज यमुनानगर में पूरा दिन ऐसे ही गुरुद्वारा साहिब में चहल पहल देखने को मिलेगी क्योंकि श्रद्धालु जो है वो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं और रात तक ऐसे ही जो लंगर है, जगह जगह लंगर है, बाजारों में लंगर है, उनकी व्यवस्था जो है वो की जाएगी और गुरुद्वारों में भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो आज देखने को मिलेगी। शुक्रिया जी, हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ करनाल से करण जयसिंह जुड़ गए हैं। करण जयसिंह, बात करें गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर काफी धूम देखने को मिल रही है, आपके क्षेत्र में कैसा कुछ पर्व है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, कितनी धूम देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल
प्रिया देखिए, गुरु पर्व की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ और गुरुग्राम में जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर सजावट की गई है। संगत जो है वो सुबह से ही गुरुद्वारे में जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लोग दर्शन करने के लिए यहाँ गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं और गुरुद्वारे में फूल के साथ और बैलून्स के साथ सजावट की गई है, लाइटिंग की गई है और माना यह जा रहा है कि आज के दिन जो संगत है वो यहाँ पर पहुंचती है और बड़ा ही जो एक महत्व है वो गुरु पर्व का माना जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से शेरदिल हमारे साथ है, शेरदिल से जाने की कोशिश करते हैं आज गुरु पर्व है किस तरह से गुरुद्वारा मना रहा है इस पर्व। पहले तो सारे धन धन गुरु नानक देव जी ने 555 प्रकाश पुरब दी लाख लाख बधाइया। देखो गुरु नानक देव जी का उपदेश ही वंड करो, वंड छको, किरत करो। तो आप किरत भी कर रहे, वंड भी छक रहे, लेकिन उन्होंने एक उपदेश और सी कि जंगलों नू बचाया जाए, पानी नू बचाया जाए। हुण आ समस्या वेख लो प्रदूषण दी, इहदी मेन समस्या हैगी आप जंगल तो रह नहीं दते, रुख रह नहीं दते, पानी का लैवल वेखो किन्ना थले चला गया। तो मैं तो संगतां नू आ हाथ जोड़ के बेनती आ कि आने वाली नस्लों नू, आने वाली जनरेशन नू आपां की दे के जाना, सानू हुण सोचना पैना। आ बड़ा गंभीर विशा वेखो, आप किरत भी कर रहे हैं, वंड भी छक रहे हैं, लेकिन किरत ते वंड उदों ही करांगे ना जदों आपां सेहतमंद होवांगे। जदों इन्ना दूषित इनवायरमेंट हो गया ते जिंदगी का भरोसा नहीं, फेफड़े दे बीमारियां शुरू हो गई, आप स्वस्थ नहीं ते उन्नी देर आप की सेवा कर लेंगे समाज की। देखिए मैसेज देने की कोशिश है इस पर्व के दौरान। अच्छा, अगर गुरुद्वारा की व्यवस्था की बात करें, किस तरह की व्यवस्था की गई है आज, कितने संगत जो है वो यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? देखो अजय तो शुरू ही है, तकरीबन 2,500 संगत आजगी, हौली हौली शुरू 11-12 बजे तो बाद लोगों का आने का सिलसिला जारी हो जाऊगा। नगर कीर्तन भी होता है और नगर कीर्तन क्या आज निकाला जाएगा या कुछ दिन बाद नगर कीर्तन निकाला जाएगा? नगर कीर्तन 13 तारीख नू हो गया ही, ते उससे अपना हर बारी नगर कीर्तन जेड़ा करते, जीरो वेस्ट जीरो प्लास्टिक साडा मोटिव रहता है कि पर्यावरण नू किदां बचाया जावे। ते आपां संगतां नू हाथ जोड़ के बेनती भी करते हैं कि पर्यावरण नू बचाया जावे। ते नगर कीर्तन च आपां तकरीबन साडे संगतां दी आ कोशिश रहिंदी कि छोटे छोटे फुल दे बूटे दिते जाण। बिल्कुल, देखिए प्रिया, जहां एक और गुरु पर्व की जो धूम है, हर्ष उल्लास है वो देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से ये भी अपील की जा रही है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, यानी कि इस पर्व के दौरान एक मैसेज देने की कोशिश है। संगत से ये अपील भी की जा रही है कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए ध्यान में रखते हुए तमाम जो कदम है उसको उठाएं और जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको सावधानी से बरतें और ऐसे में कई ऐसे कदम उठाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी करण, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यमुनानगर से रजनी सोनी भी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।